नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं शिवांगी, चलते हैं आज के ताजा खबरों की। बुलंदशहर में भी यूपी टेट का एग्जाम किया रद्द। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट पेपर लीक होने के बाद बुलंदशहर में भी एग्जाम रद्द किया गया। डीएम ने बताया कि शासन के आदेश पर एग्जाम रद्द कर दिया गया है। एक महीने बाद दोबारा एग्जाम की डेट आने पर एग्जाम कराया जाएगा। दोबारा एग्जाम कराने के लिए किसी भी परीक्षार्थी से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। वही परीक्षार्थियों ने बताया कि आज यूपी टेट का पहला पेपर बेहद आसान था और उनको उम्मीद थी कि वो एक बार यूपी टेट का एग्जाम पास जाएंगे, लेकिन अफसोस है कि पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया। अब अगली बार दोबारा नई तैयारी के साथ एग्जाम देने को तैयार हो गए। संवाददाता आलम टाइगर की खास रिपोर्ट। एक मिनट बताइए, क्या नाम है आपका? गिरीश शर्मा। गिरीश जी, आप कहाँ एग्जाम दे रहे थे इस समय? कौन सा एग्जाम दे रहे थे? यूपी टेट दे रहा था, प्राइमरी का था फर्स्ट सेमेस्टर में, और राजकीय इंटर कॉलेज बुलंदशहर सेंटर था, जो कि पेपर वो काफी सरल था। आज तो क्या रहा, क्या एग्जाम रद्द हो गए, क्या हो गए? हाँ, अभी जिलाधिकारी महोदय जी से सूचना मिली है, आज का एग्जाम दोनों पालियों को रद्द किया। तो क्या लगता है, अभी जो तैयारी आप कर आए थे, अगली बार दोबारा एक बार फिर तैयारी करनी होगी? बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, वो है, मगर रद्द होना थोड़ा सा निराशाजनक होता है, क्योंकि विद्यार्थियों का एक महीने का समय बढ़ जाता है, आने वाली वैकेंसियाँ जो होती हैं उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है इसका। बाकी वैसे कोई बात नहीं है, मगर ये अच्छा है कि बड़ा समय पर जो जिलाधिकारी महोदय जी खुद आके यहाँ पे सूचना दिए, इसके लिए हम लोग उनके आभारी भी हैं। सेकेंड मीटिंग, क्या नाम है सर आपका? अजहर आलम। सर आप यहाँ किस उस पर? अच्छा, ये एग्जाम आज कैसे लेट हुआ सर यहाँ पर? एग्जाम लेट हो गया, बिल्कुल समय से प्रारंभ हो गया। अच्छा, अब रद्द कर दिया गया है? पता चला है कि शासन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है और ये दोनों पाली की परीक्षा निरस्त कर दी गई है, और ये बाद में जब डेट आएगा तो उससे समय से परीक्षा होगी। अच्छा सर, आपके सामने जो पेपर आया था वो उसका पहले से उसका टेप हटी हुई थी, फिर आपने टीचर से कहा कि इसकी टेप लगा दीजिए दोबारा, उन्होंने मना किया था कि ये पेपर लीक है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी थे। हाँ, स्टैटिक मजिस्ट्रेट कौन थे? क्या नाम है उनका? तो उन्होंने कहा कि इस पर दोबारा टेप लगा दीजिए, पेपर खुला हुआ मिला था। सर आज यूपीटेट का एग्जाम था, कुछ सूचना मिल रही थी कि पूरे प्रदेश में एग्जाम रद्द कर दिया गया, क्या बुलंदशहर में भी एग्जाम रद्द कर दिया गया? हाँ, ये पूरे शासन के निर्देश पर हमें स्थगित कर दी गई है परीक्षा की, ठीक है, एक महीने बाद कराई जाएगी और किसी भी परीक्षार्थी को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, इन्हीं फार्मों के आधार पर उनकी पूरा परीक्षा एक महीने बाद कराई जाएगी। वर्तमान बुलंदशहर में भी एग्जाम चल रहा है या यहाँ भी रद्द कर दिया गया? यहाँ भी सूचना प्राप्त हुई, हम अपने केंद्रों पर सबको बता रहे हैं कि वो बच्चों को बता दें किस तरीके से परीक्षा स्थगित हो गई है, एक महीने बाद परीक्षा कराई जाएगी और उनको कोई दोबारा फीस वगैरह नहीं जमा करनी पड़ेगी, ना तो कोई दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से तो डेट आई थी, फिर आगे बढ़ गई, अब देखते हैं। अच्छा, कैसा लगता है कि मतलब आपने तैयारी की थी, फिर दोबारा एक बार तैयारी करनी होगी, एक एक दिन की कीमत पर सरकारी नौकरियां चली जाती हैं, अगर एक दिन भी लेट होता है तो ऐसे में आप एक महीना आपको लेट कर दिया गया? और अभी टाइम लगेगा, वैसे भी डेट आने में कोई एक महीने कहा ही है, फिक्स डेट का भी तो कुछ पता नहीं है।